ट्रॉमा इन्फॉर्म स्कूल सिस्टम का मतलब ही ये है कि जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड हों टू अंडरस्टैंड रेड फ्लैग्स ऑफ ट्रॉमा, यानी एक क्लास के अंदर बच्चे पे वो कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं जिससे वो अंडरस्टैंड कर जाए कि इस बच्चे पे किसी न किसी किस्म का ट्रॉमा हुआ है, और वो क्लास के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट से वेट होती हैं। फॉर इंस्टेंस, सबसे पहली चीज़ जो हम बच्चों को सिखाते हैं छोटी एज में ट्रॉमा इन्फॉर्म स्कूल सिस्टम में, कि हम उनको एक्सप्रेस करना सिखाते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं उनको। बच्चों को ये नहीं कहते कि मैं जो कह रही हूँ वो रिपीट करो, मैं पोम पढ़ रही हूँ तुम भी मेरे साथ पोम पढ़ो, मैं चलें सिंगिंग करते, नहीं, उनकी अपनी क्या सोच है। वी ट्राई टू गिव देम वोकैबुलरी टू एक्सप्लेन कि वो क्या फील करते हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पहली एक्सरसाइज ही ये होती है कि बच्चा आके अपना नाम पैक करता है ऑन एन इमोशन, कि हाउ एम आई फीलिंग टुडे, चेक इन है उसका 2 साल की उम्र से लेकर मैट्रिक तक, वो सुबह सुबह चेक इन करता है। अगर वो सुबह आके पैक कर दे कि आई एम हंग्री, तो इसका मतलब वो नाश्ता करके नहीं आया। अगर वो कहता है आई एम फीलिंग प्राउड, इमोटिकन्स लगे हुए हैं क्लास के अंदर जिसमें प्राउड, सैड, हैप्पी, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, जैसे जैसे बड़ी क्लास होती है ऐसे ऐसे वर्ड्स भी, वोकैबुलरी भी थोड़े बड़े होते जाते हैं। जब वो उस पर पैक करता है तो वो टीचर उसके ऊपर बात करती है सर्कल टाइम में कि ओके, सो अगर एक बच्चा आज जो है सुबह सुबह आप सैड फील कर रहे हैं, डू यू वॉन्ट टू शेयर इट। दूसरे बच्चे उसको सुनते हैं, फिर दूसरे बच्चे उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें हक करूँ एक तो तुम अच्छा फील करोगे। फिर वो अलाउड होते हैं एक दूसरे को जाके हक करते हैं। जब वो अच्छा फील करने लगता है वो कहते हैं हाँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, तो ही इज अलाउड टू पिक अप हिज बैग एंड पुट इट ऑन द हैप्पी, कि नाउ आई एम हैप्पी। इस एक्सप्रेशन की वजह से बच्चे अपने साथ होने वाले तशद्दुद को बयान करने के काबिल हो जाते हैं, फिर वो बता पाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। क्योंकि एक 3 साल के बच्चे के साथ या 2 साल के बच्चे के साथ अगर तशद्दुद हुआ हो ना तो बयान नहीं कर सकता, उसके पास अल्फाज भी नहीं है और वो उसकी सिर्फ ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं। कभी कभार तो वो वाकया भी भूल जाते हैं, लेकिन उस वाकये की वजह से जो असरात हुए हैं वो असरात रहते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चा अगर लेट्स इमेजिन हकलाता है, हम समझते हैं ये कोई मेडिकल बीमारी है, वो हो सकता है किसी तशद्दुद की वजह से हकला रहा हो। अगर उसके उस वाकये को प्रोसेस करना उसको सिखा दिया जाए और उसके पास टूल्स हों कि वो उसको बयान कर सके, बयान करके उसको रिलीज़ कर सके, रिलीज़ करने के बाद उसको प्रोसेस कर सके, प्रोसेस करने के बाद वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर सके जिससे उसको खुशी मिले, तो उसका हकलाना ख़त्म हो जाता है। उसकी नर्वस एंग्जाइटी जो बच्चों को होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, स्टेज फ्राइट होती है, ये सारी चीज़ें किसी वाकये की वजह से आ रही होती हैं। बायोलॉजिकल जो चीज़ें हो रही होती हैं वो फिर सेपरेट हो जाती हैं, वो बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर हमें हमारी एनवायरनमेंट से जो चीज़ें मिल रही होती हैं ना उससे हमारी पर्सनैलिटीज डेवलप होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चा अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को नहीं पहुंच पाता अगर उसके ट्रॉमा को प्रोसेस ना किया जाए। जब ट्रॉमा प्रोसेस हो जाता है वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को पहुंचता है। और हम में से बहुत सारे लोग इस दुनिया में आते हैं और हाईएस्ट पोटेंशियल जाने बगैर ही यहाँ से चले जाते हैं।